अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े अलग अलग नतीजे दे रहे हैं और इस बीच नतीजों को लेकर एक नया आंकड़ा आया है। चुनाव विश्लेषक रहे योगेंद्र यादव का अनुमान है कि बिहार में लालू नीतीश महागठबंधन की जीत होगी। योगेंद्र यादव का अनुमान है कि लालू नीतीश के महागठबंधन को 130 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। ये योगेंद्र यादव का अनुमान है। वरिष्ठ पत्रकार दिबांग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिबांग, योगेंद्र यादव का यह अनुमान है, मशहूर सेफोलॉजिस्ट और अपने आप में एक विश्लेषण के तौर पर उन्होंने निकाला है कि महागठबंधन की क्लीन स्वीप होगी इसमें। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। योगेंद्र जी से मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी और चूंकि उनको बिहार का बड़ा अनुभव है, करीब 20 साल से ज्यादा का उनको अनुभव है बिहार का, इसलिए उनकी राय जानना बहुत महत्वपूर्ण भी था। उनका यही कहना है कि जो 1-2% का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है जिसमें किसी भी गठबंधन को आंकड़े को बढ़ाया जा रहा है, उनका ये कहना है कि जब इतना हंगामा खेज चुनाव हुआ हो तो उसमें उन लोगों को ज्यादा इसमें वोट दिखाई देते हैं उनके, जो ज्यादा बहादुरी, जो ज्यादा तेज तर्रार तरीके से लड़े हों, तो उनके करीब 2% रिपोर्टिंग में और सैम्पलिंग में उनको कम करके आंका जाए और दूसरों को 2% बढ़ा दिया जाए। तो यानी यहाँ अगर देखें तो एनडीए के अगर 2% वोट कम कर दें और जो महागठबंधन है उसके 2% बढ़ा दें तो आंकड़ा बहुत साफ हो जाता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब भी इस तरह का करीबी चुनाव होता है तो उसमें इस तरह की बात सामने आती है। और उन्होंने कहा कि इसको देखते हुए ये जो आंकड़ा 130 है उसको पार करेगा। एक और बात उन्होंने ये कही कि जो महागठबंधन का वोट है वो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में फैला हुआ है बिहार में, जबकि अगर आप एनडीए देखें तो उनका कहना है कि एनडीए की भारी जीत होगी, बहुत जोरदार जीत होगी शहरों में। तो जो जीत हो रही है उसमें जो एक्स्ट्रा वोट्स आएंगे 10-12% अगर एक्स्ट्रा वो जीतेंगे तो वो एक तरीके से जाया जाएंगे, क्योंकि सीट उनको वोटों के अनुपात में कम मिलेगी, एक ये बात उनको दिखाई देती है। इसके आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि यहाँ वहाँ ग्रैंड अलायंस की, महागठबंधन की जीत हो सकती है। उनको ये कहना है कि साफ बहुमत महागठबंधन का वहाँ बिहार में इस बार दिखाई देगा। और ये जो एबीपी न्यूज का जो आंकड़ा था, जो एबीपी न्यूज का 130 का आंकड़ा था, तो उन्होंने बताया कि वो उनको बिल्कुल सही लगता है। तो जो एबीपी न्यूज का आंकड़ा था 130 नीतीश लालू के गठबंधन को, महागठबंधन को, उसके मुताबिक योगेंद्र यादव का आंकलन है कि ये आंकलन सही है, ये आंकड़ा सही है और 130 से ज्यादा सीटें आएंगी, यानी साफ और स्पष्ट बहुमत आएगा। एबीपी न्यूज का एग्जिट पोल यह था कि जेडीयू गठबंधन को 130 और बीजेपी गठबंधन को, एनडीए को 108 सीटें मिलने का अनुमान और अन्य के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान ही है। एबीपी न्यूज नीलसन का सर्वे, इसके एग्जिट पोल के मुताबिक, इसके अनुमानों के मुताबिक, नतीजों के मुताबिक जेडीयू प्लस यानी जेडीयू गठबंधन को 130 सीटें मिलने का अनुमान है, एनडीए को 108 सीटें मिलने का अनुमान है और उसी के मुताबिक योगेंद्र यादव भी अपना विश्लेषण सामने रखा है। उन्होंने, जैसा कि दिबांग से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव का आंकलन ये है कि 130 से सीटें ज़्यादा आएंगी और स्पष्ट बहुमत महागठबंधन को मिलेगा। लेकिन दिबांग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एनडीए के बारे में आप जैसा कि बता रहे थे कि शहरों में बढ़त हासिल होगी बीजेपी और बीजेपी से जुड़े गठबंधन को। जी हाँ, उनका ये कहना है कि जो एनडीए की जो जीत हो रही है वो शहरों में बड़ी भारी जीत उनकी होगी और शहरी क्षेत्र जो है कंस्टिट्यूएंसीज वो बिहार में उनका कहना है कि कम है, जो कि बात सही भी है ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले, इसलिए वहाँ जीत होगी, भारी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी। तो वो अगर पूरे राज्य में जब वो बांटते हैं तो उसमें उनका उतना असर नहीं देगा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बाई क्षेत्रों में उनकी वहां पर उस वजह से हार उनको दिखाई देती है। उनका ये कहना है कि शहरी क्षेत्रों में जो बड़ी जीत है वो एक तरीके से अगर आप ओवरऑल स्टेट राज्य का मसला देखें तो उसमें उनको उस तरीके से नुकसान होगा। तो ये एक बड़ा फाइन पॉइंट है जो उन्होंने बताया है और उनको 20 साल का अनुभव रहा है और बिहार पर वो लगातार, उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में खासतौर पर ऐसा बहुत बहुत होता है कि जो दबंग जातियां हैं वो जब रिपोर्टिंग होती है, जब सैंपलिंग की जाती है तो वही बात करते हैं जो बड़ी, जो ऊंची जातियों से हों और जो बात करना चाहें जो सैंपल इकट्ठा करते हैं उनसे, तो उसमें जो SC ST हैं और जो पिछड़े तबके के लोग हैं वो उनमें कम ही बात करते हैं वहां पर। तो एक उन्होंने ये भी, दो उन्होंने वजह बताई हैं बड़ी, तो देखना होगा कि 15 घंटे बाद नतीजे सामने आएंगे बिहार चुनाव के और बिहार विधानसभा चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और आपको ये भी बता दें, कल सुबह 6 बजे से लगातार एबीपी न्यूज़ पर महा कवरेज आप देख पाएंगे बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, और सुबह 6 बजे से सबसे तेज नतीजे आप देख पाएंगे।